वैसे मेरे को लगा तो नहीं था मैं इतने जल्दी अपने पुराने फॉर्म में आ जाऊंगा, पर ब्रो लाइक इतना फास्ट मैंने वापस 3 दिन में एक और वीडियो कंप्लीट कर दी पुराने दिनों की तरह। सो या मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है अभी 1-2 हफ्ते के अंदर। एंड या स्टार्ट करते वीडियो। एक और वीडियो बेबलेट के ऊपर, ये मेरा चौथा बेबलेट है जो मैंने बनाया है। एंड ब्रो इसका डिज़ाइन बताओ कैसा लग रहा है, और इसके लिए एक हाथ अच्छा सा नाम, ऐसा कोई बेबलेट एग्जिस्ट नहीं करता, ये जस्ट मैंने बनाया है। एंड ये देखो मेरा चौथा बेबलेट है, इसके पहले मैं 3 बना चुका हूँ, तीनों है मेरे पास। लकीली मेरे जो बनाता हूँ चीज़ें होती नहीं मेरे पास, पर ये तीनों हैं। पर ये तीनों में प्रॉब्लम ये है कि ब्रो इनका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बेकार है। इसको बस मैंने अंदाजे से बनाया है सब। इसका जो ये नीचे वाली निप रहती है ये भी सेंटर में है क्या नहीं मेरे को नहीं पता, और ये ज़्यादा देर तक घूमते भी नहीं है। पर ये मेरे चौथे वाले के साथ ये सीन नहीं है, ये मैंने प्रॉपर कैलकुलेट करके बनाया है, डिज़ाइन किया हुआ है ये। इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी जो निप है बिल्कुल सेंटर में, जिस वजह से ये बहुत देर तक घूमता है, और यही इसकी खासियत है। और उस चक्कर में मैंने डिज़ाइन में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर फिर भी अच्छा लग रहा है। और ये अगर ऐसा देखा जाए जो सबसे ज़्यादा लंबा घूमेगा या स्ट्रांग होगा तो उसमें यही आएगा। एंड इसी को अभी हम लोग बनाने वाले हैं, लेट्स बिगिन। काफ़ी सही वीडियो होने वाली है। और हाँ टेम्पलेट्स, लाइक टेम्पलेट एक ही पेज का है, वो तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी ही अजीब एंगल है ये, पर तो वो दिखाने के लिए चाहिए था। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे पीस। सही बताओ तो इनको देख के मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था स्टार्टिंग में। इनको काटने में जो हालत ख़राब होती है ना, खासकर ये उंगली और इसके साथ ये, मेरे को इसको काटने में आधा घंटा लगा होगा भाई। जो ताकत लगती है दो उंगलियों से, काँपते रहती है दो उंगलियाँ। लास्ट लास्ट में इनको असेंबल करूँगा तब तुमको समझ में आ जाएंगे पीसेस कौन से कहाँ लग रहे हैं टेम्पलेट के हिसाब से। मैं यूज़ करने वाला हूँ एक ऐसी आइसक्रीम स्टिक जो लाइक वो जो सेंटर पर जो मैंने डॉट्स छोड़े ना वहाँ पर थोड़ा लाइक होल कर देंगे, और सबको सिंक करेंगे एक आइसक्रीम स्टिक से, तो एक जगह होगा सेंटर ऑफ मास। क्योंकि मेरे पुराने बेबलेट्स में ऐसा कुछ नहीं था, तो वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं घूमते थे। ठीक है इनको असेंबल करने स्टार्ट करते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा। मेरे को हालांकि खुद को देखना पड़ेगा कौन सा पीस कहाँ लगने वाला है।
अभी तक बेबलेट काफ़ी सही बन रहा है और ये मेरे बेबलेट का बॉटम पार्ट है एंड ये काफ़ी सही बना है। ये है एंड ये जो बीच में आएगा जो हमारे नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले डिज़ाइन को पूरा जोड़ेगा एंड इस पर मैंने देखो ये बिल्कुल मिड पे आएगा और इसके पीछे मैंने एक लाइक सर्कल लगा दिया है। इससे एक ना 3D लुक आएगा अलग सा जो कि काफ़ी सही लगेगा कि ब्रो अंदर भी चीज़ें हैं बहुत सारी जो ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा। ठीक है पूरा प्लेन नहीं रहेगा। इनको मैंने अभी अलग अलग ही रखा है, इनमें कलर करेंगे तो जब इसको मैं असेंबल करूँगा ना तो काफ़ी सही सब अलग अलग लगेगा। अभी मैं सबको एक साथ चिपका दूंगा और कलर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगने वाला। इस टाइप का कुछ आ रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है तो फिलहाल पे तो ये सब अलग अलग है, इसको कलर करते हैं।